नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। लोकसभा चुनाव के एन बीच में हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका हो गया है, और धमाका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ देने का निर्णय लिया है। कल रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों विधायक शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद हरियाणा की राजनीति काफी गर्मा गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है, उन्हें विधायकों का समर्थन नहीं बचा है, इसलिए उनको समर्थन दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, जिनके 10 विधायक अभी तक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया कि भूपेंद्र हुड्डा अगर चाहें, अगर वो अगुवाई करें तो भाजपा सरकार को गिराया जा सकता है और दुष्यंत चौटाला उसमें मदद कर सकते हैं। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपना एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला ये लिख कर दें कि उनके 10 विधायक जो है वो सरकार का विरोध करेंगे तो वो आगे बढ़ के इसमें लीड लेने को तैयार है और सरकार को गिराने को तैयार है। तो ये जो चीजें चल रही हैं इस समय पे राजनीति में, और लगातार ये बात उठ रही है कि हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो अल्पमत में आ गई है और अब ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, इस पे हम बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि ये जो तीन विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, इनका कांग्रेस के साथ आने से लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा और हरियाणा की जो राजनीति है उस पे क्या असर पड़ेगा, हम इन सब बातों पे बात करेंगे। और हमारे साथ विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। जोशीला जी नमस्कार। नमस्कार सैनी साहब, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। जी राम राम। ये तो बड़ा धमाका हो गया हरियाणा की राजनीति में। देखो बिल्कुल, लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश में मतदान होना है, उसी के मद्देनजर जिस तरह से तीन निर्दलीय विधायकों ने एकदम से, जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और कांग्रेस अभी दोनों जगह विपक्ष में है, उस हालात में जब अभी सरकार को लगभग 6 महीने बाकी हैं, तो तीन निर्दलीय विधायक और वो भी तीनों मजबूत नेताओं ने जिस तरह से एकाएक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा फायदा इसका मिलेगा, ना केवल तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बल्कि ये जो नेता हैं इनका, इन तीन ने जो लोकसभा क्षेत्र है इनमें भी अपना एक प्रभाव है, चाहे वो करनाल लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र लोकसभा और चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हो। बिल्कुल जी हाँ। तो एक चीज इससे और नजर आती है, जो राजनीतिक विश्लेषक जिसपे ज्यादा बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर सत्ता के साथ जुड़े हुए विधायक सत्ता को छोड़ के, सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के सरकार से बाहर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तो नेता लोग हैं, राजनीति की ज्यादा समझ रखते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि केंद्र में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करने जा रही, नुकसान होने वाला है? देखो जिस तरह के हालात हम प्रदेश में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब हरियाणा प्रदेश और देश में लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ तो उस समय ये हालात थे कि मोदी जी की आंधी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी, लेकिन जो जो चुनाव चला और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया और उस 400 पार के नारे को लेकर ही कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए कि अगर 400 पार हो गया तो मोदी जी ये कर देंगे वो कर देंगे, वो लोगों के कुछ समझ में आनी शुरू हो गई, ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर मजबूत होती जा रही है और जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है वो धीरे धीरे कमजोर होती हुई जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में पोलिंग हो रही है, इस बार एक सबसे बड़ी चीज इस चुनाव में जो देखने को मिली,
ना केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की जनता चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही, कहीं कोई उत्साह का माहौल दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जो है 50% 55% 60% तक की पोलिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से लोगों का, आम जनता का नेताओं से मन भर गया है, इतना तो निश्चित है। जहां तक आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है वो दोबारा से पड़ने जा रही या नहीं, ये तो अभी जिस दिन 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गेन कर रही है। अब वो कितना कर पाती है, वो इस तरह के नेता जब ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को उसका एक बड़ा फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं और भगदड़ मच गई है जी। दोबारा आपका प्रश्न दोहरा रहा हूं, जो 2014 में माहौल था, जो 2019 में माहौल था, वो माहौल इस समय पे दिखाई नहीं दे रहा है, ना नरेंद्र मोदी के पक्ष में और ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखो, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। 2014 और 2019 का दौर तो 2024 में कतई दिखाई नहीं दे रहा। इस बार ना केवल हरियाणा बल्कि बहुत से राज्यों में, क्योंकि जो पिछला 5 साल का मोदी जी का टेन्योर रहा उसमें कोरोना जैसी महामारी में लोग बड़े परेशान हुए, इसके अलावा लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान 13 महीने बैठे रहे, इसके अलावा चाहे वो खिलाड़ियों के मसले हों, महिलाओं से जुड़े हुए मामले हों, लगातार ही तो देश की जनता आंदोलनों पर मतलब अग्रसर रही, लोग आंदोलनरत रहे, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा है कि मोदी जी के पक्ष में कोई एक तरफा लहर या एक तरफा माहौल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक बात है हरियाणा प्रदेश की, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में मोदी जी से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खट्टर साहब का 6.5-9 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो कैडर के लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया, उनके मान और सम्मान की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि जो कैडर का वर्कर है वो कहीं काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में, वो उदासीन हो गया जी। और एक और चीज है कि ये जो तीनों विधायक जो कांग्रेस को समर्थन दिया है जिन्होंने, उन्होंने भी ये बात कही है कि जन भावनाओं के दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब जो लोगों की भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध जिस तरह से हो रहा है, जजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध जिस तरह से हो रहा है, वो किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, दूसरे वर्ग कर रहे हैं, तो उनका गाँव में घुसना भी बहुत सारी जगह पे कठिन हो गया है। तो ऐसी हालात को देखते हुए वो कांग्रेस की तरफ आए हैं, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। देखो, मैं एक पे बात करें जी, तो क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनी उस इलाके की या उस नेता के आसपास जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ा? सोमवीर सांगवान की हम बात कर लेते हैं, जबकि दादरी से आ रही है सांगवान। देखो, मैं अध्यक्ष रहे हैं, मैं दर्शकों को तीनों ही विधायकों की राजनीतिक पृष्ठभूमि और तीनों ही विधायकों के जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में दर्शकों को बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमवीर सांगवान की, जिनका गांव चरखी गांव पड़ता है, चरखी दादरी के बिल्कुल साथ लगता हुआ है, सांगवान गोत्र बाहुल्य गांव है और वो खुद सांगवान खाप के जो है प्रधान है। इससे पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। उन्होंने अपनी जो राजनीति की शुरुआत है, शुरुआती समय में वो चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, उसके साथ रहे और इन लोगों की वो टिकट मांग रहे थे। इसके बाद उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनकी जो मूल विचारधारा पिछले कई सालों से वो लगातार बीजेपी में रहे। अंततः ऐसे माहौल बने कि उनके मुकाबले बिल्कुल राजनीतिक रूप से नौसिखिया, जिनका गांव भी हल्के में नहीं पड़ता, उनका खुद का गांव बारड़ा विधानसभा में बलाड़ी पड़ता है, बबीता फोगाट जिनको राजनीति का कैक है कह भी नहीं पता था, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और सोमवीर सांगवान की टिकट काट दी। बबीता फोगाट की बहुत बुरी हार हुई और एक जो सेलिब्रिटी टाइप जो टिकट दी गई उसका नतीजा ये रहा
कि सोमवीर सांगवान ने जन भावनाओं के अनुरूप इलाके की जनता को इकट्ठा किया, जनता ने उन पर दबाव बनाया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, और उन्होंने बबीता फोगाट ही नहीं तमाम जो पार्टियों के प्रत्याशी थे जिनमें पूर्व मंत्री चाहे सतपाल सांगवान जी खड़े थे, जेजेपी की पार्टी से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनेलो के थे, सभी को उन्होंने धूल चटा दी। उसके बाद हालात ये बने कि जो चरखी दादरी का इलाका है वो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, हालांकि उसमें चरखी दादरी नगर परिषद का भी इलाका आता है, लेकिन वहां भी लगभग गांव के लोग ही ज्यादा रहते हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि और खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका किसान आंदोलन में इतना दबाव था कि सोमवीर सांगवान ने तब भी सरकार से समर्थन उल्टा ले लिया था, और जो खट्टर साहब ने उनको जो चेयरमैन बनाया हुआ था उन्होंने चेयरमैन से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एकाएक सोमवीर सांगवान चेयरमैन जी, फिर उसके बाद सोमवीर सांगवान का बड़ा स्वागत वहां हुआ, लोगों ने उनको अपना नेता माना कि ये नेता सरकार को छोड़ करके आ गया, लेकिन कुछ समय बाद जो ही किसान आंदोलन खत्म हुआ सोमवीर सांगवान फिर से मनोहर लाल खट्टर जी के खेमे में फिर चले गए सरकार के पास। उसके बाद वो लगातार जब भी गांव में गए तो लोग उनसे एक ही प्रश्न करते थे कि इतनी जल्दी तो कोई नहीं बदलता जितनी जल्दी आप बदल गए, किसान आंदोलन में आपके कुछ बोल थे अब आप कुछ बोल रहे हो। अंततः सोमवीर सांगवान को यह फैसला लेना पड़ा क्योंकि बीजेपी के और जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, बहुत से गांव में जहां वो जाते हैं जाट बाहुल्य गांव में वहां उनका विरोध भी होता है, नारेबाजी होती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, उस लिहाज से अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए सोमवीर सांगवान ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस दादरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा चेहरा मिला है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस पार्टी के पास अधिकतर इस क्षेत्र में घिसे पिटे ही चेहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके आने से बड़ा फायदा होगा। एक और जो सांगवान जी, एक मैं और बताऊंगा बीच में, एक सांगवान खाप के बड़े नेता और रहे हैं सांगवान, सतपाल सिंह सांगवान जो पूर्व मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हालांकि पहले ऐसी चर्चाएं थी कि वो खुद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके बीजेपी में जाने के बाद सोमवीर सांगवान के पास कोई और ऑप्शन या विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है। जी बिल्कुल, सोमवीर सांगवान ने पिछले साल सितंबर में एक बयान दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अभी जब सतपाल सांगवान उनके प्रतिद्वंद्वी हैं लगातार, तो वो जब बीजेपी में चले गए तो उनको वहां पे कोई अपनी जगह दिखाई नहीं दी, मतलब ये भी एक कारण इसका हो सकता है। जी बिल्कुल, ये मैंने बता दिया आपको जो बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें कुंडरी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन जो चेयरमैन भी रहे हैं इस सरकार में, उनके जो कुंडरी विधानसभा क्षेत्र है वो भी किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें रोड और जो जाट है उनके बड़े बड़े गांव हैं, विशेषकर रोड समुदाय के वहां बहुत ज्यादा जो है गांव है, और ये खुद भी एक रोड जाति से आते हैं, ये भी पीछे भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, बीजेपी की टिकट पर 3 चुनाव ये हार चुके हैं, चौथी बार इनकी टिकट काट दी गई थी, और इनके मुकाबले जो चौधरी वेदपाल एडवोकेट है वो भी रोड समुदाय से ही आते हैं, और वो खुद घरोंडा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन घरोंडा से चूंकि सिटिंग विधायक अरविंदर कल्याण की टिकट पार्टी नहीं काट सकती थी, तो उस लिहाज से उनको पुंडरी से चुनावी मैदान में उतारा, और इस चुनाव में चौधरी वेदपाल एडवोकेट हार गए, जबकि रणधीर गोलन जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े तो कभी नहीं जीते, जबकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो जीत गए। यहां मैं दर्शकों को एक खास बात बताना चाहूंगा पुंडरी की। पुंडरी में पिछले 6 चुनाव लगातार निर्दलीय नेता ही जीते हैं, और कोई भी नेता अगर किसी पार्टी की टिकट ले आता है तो वो यहाँ हार जाता है, लेकिन जो ही वो नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में आता है तो इलाके की जनता उसको सिर आंखों पर बैठा लेती है। रणधीर गोलन बीजेपी की पृष्ठभूमि के नेता हैं, लेकिन उनका एकाएक कांग्रेस को समर्थन करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और उसके पीछे भी कारण यही है कि जो रोड समुदाय है और जो जाट समुदाय है, जो एक बड़ा वोट बैंक रणधीर गोलन के पास है,
वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से रुष्ट दिखाई दे रहा है पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से रणधीर गोलन को यह फैसला लेना पड़ा। जी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पड़ती है जहां से ये आते हैं, इनकी विधानसभा ये पड़ती है पुंडरी, तो मुझे लगता है कि उसमें काफी असर पड़ेगा इनके कांग्रेस को समर्थन देने से। देखो बिल्कुल पड़ेगा तो रहे हैं। और जी। दूसरी बात ये भी है कि अपने इलाके में काम करवाने के लिए लगातार लड़ते रहे हैं सरकारों के साथ, तो इन्होंने पीछे ध्यान दिया कि हम निर्दलीय विधायक है, काम करवाने के लिए ही सरकार में के साथ जाते हैं। देखो रणधीर गोलन एक सामाजिक, ये जो सोमवीर सांगवान और रणधीर गोलन दोनों ही समाज से जुड़े हुए सामाजिक आदमी हैं, और दोनों ही पंचायती आदमी हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं। इनकी जवाबदेही अन्य विधायकों के मुकाबले ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये निर्दलीय लोगों ने जिताए हैं, ये किसी पार्टी के वोट बैंक के दम पर नहीं जीते हैं। निर्दलीय जो नेता जीतता है उसकी खुद की जवाबदेही बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से मैं ये मान रहा हूँ कि रणधीर गोलन के ऊपर भी बड़ा जनता का भारी दबाव था, जिसकी वजह से अंततः उनको ये फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल जी। और अब बात करते हैं करनाल विधानसभा के अंदर, जो नीलोखेड़ी विधानसभा, करनाल लोकसभा के अंतर्गत जो आती है नीलोखेड़ी विधानसभा, वहां से नीलोखेड़ी के जो विधायक है धर्मपाल गोंदर, उनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, उसके बाद टिकट कटने के बाद उन्होंने अपने इलाके की सरदारी को इकट्ठा किया और उन्होंने ये कहा कि धर्मपाल जी आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। वो जिस गोंदर गांव से आते हैं उस गांव में कई विधायक पहले भी रहे हैं और वो एक राजनीतिक गाँव है, उसकी वजह से धर्मपाल गोंदर ने चुनाव लड़ा और वो निर्दलीय जीते। इस सरकार में उनको बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ उनको मिलेगा और उनके इलाके को भी मिलेगा, लेकिन वो तमाम उम्मीदें उनकी धूमिल हो गई। और वो तब हो गई जब उनके साथ लगते करनाल से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसके बावजूद उनके इलाके में कोई काम नहीं हो पाए, उनको खुद को भी सरकार में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, और उनका जो इलाका है नीलोखेड़ी वो भी एक ग्रामीण बेल्ट है और वो एक ऐसी बेल्ट है जहां किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा उस करनाल के क्षेत्र में, विशेषकर जो सरदार बाहुल्य जो गांव है, सिख बाहुल्य जो गांव है, उनमें बड़ा असर किसान आंदोलन का रहा, और आखिरकार धर्मपाल गोंदर को भी मजबूरी में कांग्रेस को अपना समर्थन देना पड़ा। इन तीनों नेताओं को अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और अपना राजनीति में भविष्य सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन देने। जी जी, धर्मपाल गोंदर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है जिस समय पे वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मनोहरलाल खट्टर के काफी करीब रहे हैं और उनको अपना नेता मानते रहे हैं, लेकिन हमारा तो सेनापति ही चला गया तो अब हमारा क्या बचा है सरकार में। तो देखो काफी वो उसमें रहे हैं, एक नंबर गाड़ी उनके पास थी तो वो नंबर उन्होंने छोड़ा, तब भी काफी चर्चा में वो आए थे। तो ऐसे ऐसे वो काम करते रहते हैं जिससे वो चर्चित रहे, लगातार लोगों के बीच में रहे, काम करते हुए दिखते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बताई है अभी जनता का दबाव है, असल में हरियाणा की जो जनता है उसका मूड इन नेताओं ने भापा है, उसको देखा है जी, और उस मूड के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस को समर्थन दिया जाए। तो अब हम लोग समर्थन वापिस लें, क्या सरकार गिर सकती है, क्या सरकार अल्पमत में आ गई है, जैसी चर्चा चल रही है, जैसी दुष्यंत चौटाला ने कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही कि अब वो अल्पमत की सरकार है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू कर देना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एक थ्योरी ये भी आ रही है कि 6 महीने होने चाहिए और दूसरी थ्योरी ये भी है कि नए नेता का जो चुनाव हुआ है उसके 6 महीने के बाद ही चुनाव होने हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे राजनीतिक उठापटक? देखो मैं बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई बताऊं दर्शकों को,
सब कुछ डिपेंडेबल है कि 25 तारीख को हरियाणा की जनता और देश की जनता जो अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहा है कहां वोट डालती है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है। अगर 4 जून को मोदी जी तीसरी बार रिपीट हो जाते हैं, तीसरी बार बन जाते हैं, तो हरियाणा की सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, हो सकता है यही विधायक वापिस समर्थन दे दें लिखित में। और अगर ये सरकार यहाँ बीजेपी की चलेगी और कांग्रेस पार्टी की बन गई तो हो सकता है जो एक दो निर्दलीय विधायक और बैठा है वो भी कहीं ना कहीं समर्थन उल्टा ना ले ले। सब कुछ 4 तारीख के बाद ही डिपेंडेबल है और आज के दिन सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है, क्योंकि जेजेपी के भी जिन नेताओं ने बीजेपी को समर्थन दिया है संवैधानिक रूप से वो समर्थन दे नहीं सकते, क्योंकि पार्टी जब व्हिप जारी कर देगी वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, अंदर खाने वो सपोर्ट कर देंगे वो एक अलग बात है, निर्दलीय भी किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते बिना इस्तीफा दिए। ये जब से कानून बना है देश में तब से बड़ी समस्या विधायकों और सांसदों को है, वरना तो हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ एक एक नेता एक दिन में 3-3 बार पार्टियां बदल देता था। बिल्कुल, आया राम गया राम ये स्टेट है जी। वो चौधरी उदय भाजी के पिताजी ही रहे हैं जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, गयालाल जी। और दूसरी बड़ी बात, अभी मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह की सैनी की सरकार को कोई खतरा है। जब तक ऊपर बीजेपी की सरकार है तब तक हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार को कोई खतरा वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है जी। जी लेकिन जो 25 तारीख आने वाली है, 25 मई जो आने वाली है, जिसके लिए सारी भागदौड़ सारी उठापटक चल रही है, उसमें क्या कितना फायदा आप समझते हैं कि कांग्रेस को मिलने वाला है, कांग्रेस के या इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनको मिलने वाला है, और कितना डैमेज इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा? देखो, राजनीति में जब भी कोई छोटा नेता हो या बड़ा हो किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो उस पार्टी को नुकसान होना लाजमी है, और किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी एक हवा बनती है। अब जब 3 मौजूदा विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है तो निश्चित रूप से जो कुछ एक न्यूट्रल वोट है या जो न्यूट्रल नेता है जो कहीं भी जाने की फिराक में है, उन सब के दिमाग में ये जरूर चलता है कि जब इतने बड़े नेता कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार तो नहीं आ जाएगी। उस चक्कर में बहुत से नेता और ज्वाइन कर लेते हैं। आपने और हमने देखा होगा जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दोबारा से वापसी दिखाई दे रही थी तब इंडियन नेशनल लोकदल के अधिकतर विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, हालांकि बहुत सौ को टिकटें भी नहीं मिली। अधिकतर बड़े नेता जिनमें इनेलो के प्रदेश पाल माजरा वो तक जो है बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, क्योंकि तब उन लोगों को एक उम्मीद थी कि लगता है अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लोग हर रोज शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में एक मुकाबला तो जरूर दिखाई दे रहा है जो अब तक नहीं दिखाई दे रहा था पिछले 2 चुनाव में। बिल्कुल सही बात आपने कही। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोगों के बीच में भी एक संदेश जाता है, एक हवा बनती है पार्टी की, और ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में लगातार या जिस गठबंधन के पक्ष में लगातार बड़े नेता आ रहे हैं तो जाहिर है कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनके जीतने की गुंजाइशें बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अब अंत में राजनीति एक चीज और है। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं। राजनीति की एक सच्चाई ये है कि राजनीति की एक सच्चाई ये है कि लोग हवा के साथ ज्यादातर वोट डालते हैं। जिस भी पार्टी की हवा दिखाई देती है हरियाणा प्रदेश की अधिकतर जनता उसकी तरफ बह जाती है। तो अब जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे हवा बनाने का प्रयास कर रही है और बीजेपी की जो हवा टाइट हो चुकी है उसकी फूंक निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अभी अगले जो 5-7 दिन है वो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। जी, तो बड़े अप्रत्याशित परिणाम हरियाणा में देखने को मिलेंगे ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जो सीटें अभी तक ये लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जहां पे बहुत मजबूत है और बहुत पक्की उनकी जीत निश्चित दिखाई दे रही थी, वो सीटें भी अब फंसी हुई दिखाई दे रही हैं।
तो पूरे हरियाणा का सिनेरियो इस तरह का है, चाहे हम गुड़गांव की बात कर ले या फरीदाबाद की बात कर ले, जो बहुत आसान सीट बीजेपी के नजरिए से दिखाई देती थी, या करनाल की सीट की भी बात करें, तो वहां भी अब लगता है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो धीरे 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 अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, लोगों में अपना समर्थन हासिल करते जा रहे हैं। और इसका असर ये लग रहा है कि जो जैसे राव इंद्रजीत ने कल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार को कहा कि वो हल्का लेके नहीं चल रहे अपने प्रतिद्वंद्वी को, क्योंकि वो भी 5 बार के वो रहे हैं, एमपी रहे हैं। तो इसी तरह की स्थिति पूरे हरियाणा में बन रही है, और किसी को भी अब ऐसा आसान हम नहीं कह सकते कि बहुत आसान जीत किसी को मिलने जा रही है। तो सारी सीटें लगभग फंस गई है। इतना निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से पिछली बार बहुत से नेता लाखों वोटों से जीते थे, और देश की जो सबसे बड़ी 3 जीतें थी उनमें 2 हरियाणा में थी, इस बार ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इस बार बड़ी कांटे का मुकाबला होगा और कई जगह अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कई जगह लोगों की जीत से ज्यादा हार की भी चर्चाएं रह सकती हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, और उसके बाद कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी एकजुट भी दिखाई दे रही है, हालांकि कई जगह अभी भी वही विरोध की भाषाएं दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी आखिर तक एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के प्रत्याशियों को पसीना तो जरूर आएगा, ये निश्चित है जी। ये नहीं, इस बार बहुत बड़ी जीत होगी जी। जी, मैं आखिरी बात जो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और आपसे भी इस पे टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा, वो ये है कि ये जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये समर्थन आ रहा है दूसरे दलों के जो नेता हैं उनका, और जैसे कांग्रेस में वो शामिल करवा रहे हैं अलग अलग नेताओं को, तो उससे भूपेंद्र हुड्डा का जो पक्ष है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। वो हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति में लगातार मजबूत हो रहे हैं, पकड़ बना रहे हैं, और आला कमान के सामने अपना जो वजूद है उसको दिखा रहे हैं कि उनको फ्री हैंड दिया है तो उसका उसका कुछ मतलब है। और शैलजा जी ने भी कल एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, इससे कांग्रेस की जीत पक्की लगती है, तो वो भी साथ आ रही है इस पूरे उसमें। देखो, अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से लोकसभा की टिकटें बटी हैं, हरियाणा में कांग्रेस इज हुडा एंड हुडा इज कांग्रेस हो चुका है। 9 में से 8 सीटें हुडा साहब ने अपनी मनमर्जी से बांटी हैं और 1 सीट भी मजबूरी में दी गई है, क्योंकि वहां कोई और मजबूत विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। अब हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता और जो विपक्ष के नेता है वो कोई खुले सवर में और कोई दबे सवर में इतना तो जरूर मान चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। अगर लोकसभा के चुनाव में वो अच्छे खासे नंबर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और अगर वो यहाँ चूक जाते हैं किसी तरह से तो कांग्रेस पार्टी किसी नए विकल्प पर भी जो है नजर दौड़ा सकती है, क्योंकि जब चुनाव हार जाती है पार्टी तो निश्चित रूप से एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव उस नेता पर हो जाता है जिसके कहने से टिकटें दी गई हैं, और उसको अंततः इस्तीफा भी देना पड़ जाता है। हमने कई बार देखा है पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्रियों तक को भी इस्तीफा देना पड़ जाता है जब वहां उनकी पार्टी हार जाती है। अब सब कुछ दारोमदार प्रदेश की जनता भी और नेता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मान चुके हैं, उन्हीं की अगुवाई में यह चुनाव हो रहा है। हरियाणा में राहुल गांधी कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा का पूरा चुनाव मोदी वर्सेस राहुल ना होकर के मोदी वर्सेस हुड्डा दिखाई दे रहा है। सभी लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है 25 तारीख तक और भी उलटफेर हमें दिखाई देंगे हरियाणा की राजनीति में। कुछ नया अप्रत्याशित होने वाला है, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा ने अभी पिछले दिनों कहा भी है कि कई नेता उनके संपर्क में हैं। तो ये बातचीत रही जिसमें हमने बात की उन 3 विधायकों की जो निर्दलीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जी सैनी साहब, तो इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो हमारी इस चर्चा से छूट गई। वो बात जी ये है कि जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला को ये कहा है कि आप लिखित में दो, कहीं ना जी कहीं वो दुष्यंत चौटाला की जो पिछले 4.5 साल में विश्वसनीयता खोई है, और जिस तरह से लोग ना केवल जनता हरियाणा प्रदेश की बल्कि हरियाणा के नेता भी उन पर विश्वास करना बंद कर गए हैं, जी क्योंकि जब उन्होंने वोट मांगे थे तब भारतीय जनता पार्टी को जमना पार करवाने की बात कही थी, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात की थी, और भी बड़े बड़े मुद्दे थे जिनमें से जी दुष्यंत चौटाला कोई भी काम नहीं करवा पाए। उनसे ना केवल उनके खुद के कार्यकर्ता जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाए, ना ही उनसे प्रदेश की जनता प्रभावित हो पाई। इसीलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको ये कहा है कि आप लिखित में दें, क्योंकि वो हर दिन अलग अलग बयान देते रहते हैं, और जी बिल्कुल राजनीति सही में कहा आपने। विश्वसनीयता, सबसे बड़ी चीज है, जिसको अब कम से कम वर्तमान में दुष्यंत चौटाला ने खो दिया है। जी जी बिल्कुल सही, बहुत सारी चीजें हैं और जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए अब आपसे विदा चाहेंगे और किसी नए मुद्दे पे, इसी तरह की हरियाणा की राजनीति पे लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, नई नई बातें, नई नई रोचक जानकारियां आप तक लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इनबॉक्स में जरूर लिखिए, और आपकी राय क्या है इस बात को लेके जो हमने पूरे इस समय में की है, और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।